बेटी तेरी आवाज अदल बदल गई है। हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं जो ये यूट्यूब का जो लफड़ा चल रहा है बहुत सारा, और कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट हो चुकी है जैसा कि तुम लोगों को पता है, और अभी बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स जो हैं जैसे मुंबई का निखिल, एलविस यादव, इन सब ने उसके वीडियो डिलीट होने पे अपने अपने रिएक्शन दिए हैं और अपनी अपनी बात रखी है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। बाय द वे अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और ये जो ड्रामा चल रहा है ये ड्रामा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आमिर सिद्दीकी जो पहले ही 2 वीडियो बना चुका था, एक में उसने सारे रोस्टर्स को टैग करके बहुत कुछ बोला था यूट्यूब के बारे में, और दूसरा जो अभी 2 दिन पहले आया था उसमें उसने सबसे सॉरी बोला था, उसके बाद की गलती से या फिर जानबूझ के मुझे पता नहीं, पर उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सबके सामने ला के रख दी है। तो इससे यही पता चलता है वो कोई डिस्ट्रैक्ट लाने वाला है कैरी मिनाटी को डिस करने के लिए, और बहुत सारी गंदी गंदी गालियां बकी है उसने अपने उस ऑडियो में। फोन कॉल रिकॉर्डिंग जो लीक हुई है आमिर सिद्दीकी की, उसमें बहुत सारी गाली बकी है उसने कैरी मिनाटी को। हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए था, उसने बहुत गलत किया हर चीज में। वो एक ही चीज लेके आता है, अभी रमजान चल रहा है तेको मैं बताता हूँ, रमजान के बाद अपन अभी क्या कर सकते हैं। तो यार ये लोग का ना शुरू से ही यही लफड़ा है, मतलब रमजान चल रहा है, रमजान चल रहा है बोल के ये मतलब कम्युनल करना चाहता है। और इन सब चीजों में सबसे बुरी बात जो है वो आमिर सिद्दीकी की है, उसे ये पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। जब वो सब कुछ आसानी से सॉर्ट आउट करना चाहता था तो फिर से उसे सेकंड वीडियो बनाना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, फ़ोन कॉल्स रिकॉर्डिंग उसके सारे कच्चे चिट्ठे खोल के रख दिए हैं, अब तो वो कुछ भी बोलेगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, और वो अभी इस चीज़ को रमजान का नाम देके कम्युनल कर रहा है। हालांकि रमजान से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमने साफ वो कॉल रिकॉर्डिंग में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अभी सुन लो। लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है, तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है, अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है। बट इसकी बहन की चूत, अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। और बाकी रमजान था, इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूंगा मैं रमजान के बाद जो ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना उसके लिए। तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान से खून निकाल के इसकी नई माँ छुदाना, मेरा नाम आमिर नहीं। तो जैसा कि तुमने ये ऑडियो में सुना, जिस तरह से ये गालियाँ दे रहा है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि रमजान रहे ना रहे, क्या अभी रमजान नहीं चल रहा है क्या, बाद में गाली देंगे, मतलब कितना बड़ा चूतिया है यार तुम। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने अपनी अपनी जो बातें कही या फिर अपने स्टेटस अपनी स्टोरी में जो कुछ कहा, तो मुंबई का निखिल ने क्या कहा चलिए देखते हैं। तो मुझे मालूम पड़ा कि कैरी मिनाटी का वीडियो, एलविश यादव का वीडियो, लक्ष चौधरी का वीडियो, सम्राट भाई का वीडियो है जो टेक डाउन कर दिया गया है, और रीजन जो है वो दिया गया है फॉर बुलिंग। जैसे कि पहले किसी की बुली तो हुई नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी गड़बड़ लगती है। चारों का वीडियो आता है बहुत अच्छा करता है, कैरी मिनाटी का वीडियो तो रूफ टॉप फाड़ के निकल जाता है, ऑलमोस्ट मोस्ट लाइक्ड वीडियो बनते बनते रह गया, लोग बोल रहे हैं कि रिपोर्ट किया गया है शायद इसलिए निकल गया। देखो रिपोर्ट करते होते ना तो एक एक करके निकलता, चारों का वीडियो एक साथ गायब नहीं हो जाता, जो कि मुझे यहाँ पर लग रही थोड़ी गड़बड़। अब प्लीज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, व्यूअर्स से और रोस्टर लोगों से, कि यहाँ पर यूट्यूब को हेट मत देना, बिकॉज यूट्यूब एक अंधा कानून है, आप उसको अगर प्रूफ दोगे तो आपको सजा देगा, दिस इज हाउ यूट्यूब वर्क्स। और शायद कुछ लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर टिकटॉक की जगह यूट्यूब को हेट देने लगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको इन चारों के वीडियो वापस आ जाए तो यूट्यूब को ट्विटर पे टैग करके बोलना पड़ेगा और इंस्टाग्राम पे बोलना पड़ेगा, लेकिन मेक श्योर करना, प्यार से बोलो, रिक्वेस्ट करो यूट्यूब को इनके वीडियो वापस लेके आ जाए, ना कि गाली दो। आप गाली दोगे फिर बात सही नहीं होगी और फिर YouTube को भी उस चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, प्यार से रिक्वेस्ट करोगे तो उनके वीडियो आ भी जाएंगे। और वेरी स्मार्टली इन चारों को LGBT कम्युनिटी को हैरास करने के लिए घसीटा गया है, जो भी LGBT कम्युनिटी से देख रहा है, मैं तुम लोगों को बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो हो रहा है ये भी गलत हो रहा है। और कमाल की बात देखो, इन चारों के वीडियो निकलने के पहले क्या नाम है उसका, आमिर सिद्दीकी का वीडियो आया, उसने भी सेम पहले कुछ और बोलता है, अभी बोलता है LGBT कम्युनिटी का सीन। अरे आमिर भाई देखो जो भी बोल रहा है ना उनकी मत सुन, चुपचाप फ़ोन रख और 1-2 हफ्ते के लिए चुप हो जा भाई, ये चीज़ सबके साथ होती है और फिर चली जाती है। इस चीज़ में जितना घसीटेगा लाइफ लॉन्ग हेट मिलेगा, मत कर,
हो गई बेवकूफ़ी, सॉरी बोल, खत्म कर, मत मत सुन जो लोग तेरे को बोल रहे हैं ना तुम लोग तेरे को ये करने के लिए, वो मत सुन। और एक टिकटॉकर, उसने अपने इंस्टाग्राम पे भी सेम एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में लिखा, और एक यूट्यूबर है जो बेवकूफ़ बनाता है उसने भी एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में, देखो बस मुझे भी खुद बहुत सारे डीएम्स आए हैं लोगों से कि हम भी क्यों अटैक किया जाता है एलजीबीटी कम्युनिटी वालों पे, ये गलत हो रहा है। और जो रोस्टर से वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे कि मूवीज़ में गाली देते हैं तो कूल है, हम लोग यूट्यूब पे गाली देते हैं तो वो अनकूल बन जाता है। अब जो बन जाता है वो बन जाता है, जैसे कि मैंने बोला यूट्यूब एक गंदा कानून है, यूट्यूब खुद एज ए प्लेटफॉर्म स्ट्रगल करता है इस चीज़ को लेके, तो गाली नहीं दोगे या कम दोगे तो बेटर रहेगा। और प्लीज़ एलजीबीटी कम्युनिटी वालों से अगर सब लोग एक सॉरी बोल देंगे तो दे विल ऑल्सो फील वेरी नाइस। बाकी आप लोग सब समझदार हो, लेट्स होप एंड प्रे चारों के वीडियो आ जाए। और समझदारी से एक चीज़ मुझे याद आई कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप लोग उनके वीडियो में जाके डिसलाइक दो ताकि व्यूअरशिप भी बढ़े और एंगेजमेंट भी बढ़े। यूट्यूब के लिए लाइक और डिसलाइक एक ही समान होता है, वो एंगेजमेंट देता है। और शायद कुछ लोग चाह रहे हैं कि आप लोग सब मिलके वही करो, समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर आप किसी की वीडियो में जाके लाइक या डिसलाइक कर रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे वीडियो की एंगेजमेंट ही बढ़ेगी। जैसा कि मिस्टर फैजू ने कल या परसों अपना एक ब्लॉग अपलोड किया अपने चैनल में, तो बहुत सारे लोग जाके डिसलाइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उससे इंगेजमेंट बढ़ेगा उसके चैनल का, उसके वीडियो का। मुंबई कर निखिल ने बिना नाम लेते हुए ये सब सारी चीज़ें कही हैं, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो यार देखो ही मत ना, डिसलाइक भी करना है, देखो ही मत, जाओ ही मत, तो इसलिए मुंबई कर निखिल ने ये सारी बातें कही थी जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं यार ये सब सारी चीज़ें कब ख़त्म होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओह माय गॉड, मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि भाई कैरी मिनाटी के लिए एक सॉन्ग हो जाए, सो क्यों नहीं ये गाना कैरी मिनाटी के लिए। तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो चाहते हैं मन के भीतर, मन के भीतर बोलो कहाँ है अल्लाह तीतर तेरे पीछे।